हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल लाइनिंग ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे जिसका बस साइज होगा 36 इंच। तो मेजरमेंट जान लेते हैं। सबसे पहले लंबाई है इसकी 14 इंच, तीरा है इसका 13 इंच, और चेस्ट है इसकी, बस साइज है इसका 36 इंच, और वेस्ट है इसकी 31 इंच, और आर्म होल है इसका 8 इंच, बाजू की लंबाई है 5 इंच, बाजू की बॉटम है 10.5 इंच, और गला आगे का 7 है, पीछे का 7.5। तो चलिए मेजरमेंट लगाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी है लाइनिंग। लाइनिंग हमने 1 मीटर ली है, तो पहले फैब्रिक को हम अलग कर देंगे, पहले लाइनिंग को हम इससे मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने इसे बिछा देना है। इस तरह ओपन साइड है और यहाँ पर हमारा सामने फोल्ड साइड है। अब हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम इसको हम सीधा करेंगे, इसे सीधे का निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से बॉटम लेंगे, जो ब्लाउज़ के नीचे हम जिसमें रुपाई करते हैं उस बॉटम का निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्केल है, ये स्केल हमारा 1.5 इंच का तकरीबन होता है, तो इसको हमने स्केल से ऐसे इतना हमने नीचे बॉटम के लिए हम इस कपड़ा रख देंगे। ये हमारा बॉटम यहाँ से मुड़ जाएगा। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 14 इंच है, आधा इंच हमारा तीरा में चला जाएगा, तो 14.5 पे हम इस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस निशान से ऊपर हमने 14.5 पर यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अभी हमारी जो कन्नी साइड है, यहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगती है, तो इसके लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ से हम जो कन्नी है, यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम तीरा का निशान लेंगे। तीरा है हमारा 13 इंच, तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम इसको ये कन्नी से जो हमारे निशान लगेंगे, इस कन्नी से हटके लगेंगे, क्योंकि कन्नी को हम इसे मेजरमेंट नहीं लेंगे। यहाँ हमारी हुक पट्टी लगती है, तो इससे अलग हटके हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हम 6.5 पे तीरे का निशान लगाएंगे। अब इस जगह से आर्मल की गहराई का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसे 6.5 पे निशान लगा देंगे और इसको हम सीधा बॉक्स को बना देंगे। अब इस जगह से बस्ट का निशान लगता है, तो बस्ट है हमारी 36 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच। तो इस निशान से हट के हमने यहाँ से 9 इंच पर हमने यहाँ से निशान लगाना है। ये हमारा 9 इंच पर निशान लग गया। अब इस जगह से हमें मार्जिन देना है, मार्जिन हम 2 इंच कर लेंगे, तो यहाँ से 2 इंच आगे हम इस पर निशान लगा देंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। कमर का निशान हम नहीं लेते पहले, क्योंकि हमें इसे प्लीट्स डालते हैं पहले। हम प्लीट्स डालने के बाद ही हम इसका प्रॉपर साइज़ लेते हैं। तो आप इसको सीधा सीधे निशान लगा दीजिए, क्योंकि प्लीट्स लगती हैं यहाँ पर, तो हमारा जो फालतू जो कपड़ा था हमारे प्लीट के अंदर आ जाता है, तो ये कवर हो जाता है। अब हम इस पर सीधा निशान यहाँ से लगा देंगे। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा बुकरम वाला बनना है, लेकिन मैं आपको इसको बता देती हूँ, क्योंकि गला हम बुकरम वाला बनाएंगे तो हम ब्लाउज पर ही डायरेक्ट बनाएंगे। गले की विड्थ होगी ये 3 इंच। गला जैसे हमारा 7 इंच है, तो हम यहाँ से 7.5 इंच लेंगे, और यहाँ से भी हमारा 3 इंच लेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से गले की गोलाई लेंगे जो 1 इंच पर होगी, और इसको इससे हम इसे मिला देंगे। ये हमारे गले की शेप हो जाएगी। अब हम लगाएंगे डॉट का निशान। तो डॉट का निशान कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से 9.5 पे हमारी प्लीट्स होती है, तो हम 10 पे लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारे यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 10 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए, और गले इसकी प्लीट्स की चौड़ाई जो होगी वो 3.5 पर। तो यहाँ से इस कन्नी से हट के हमें यहाँ से 3.5 पे निशान लगाना है। ये हमारा मेन डॉट का निशान आ गया। ऐसे हमने 3.5 यहाँ पे निशान लगाना है, और इसको हमने यहाँ से सीधा कर देना है। आर्मोल की गहराई लेंगे हम आगे के लिए, फ्रंट के लिए 1 इंच का, और इसको हम इससे मिला देंगे। अब हम साइड की प्लेट निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच इधर जाएंगे, ये हमारी साइड प्लेट लगेगी। कि साइड प्लेट की हम इसको तिरछा कर देंगे इसे, ये देखिए ऐसे, ये साइड की प्लेट हो गई। अब 1.25 इंच हम इस साइड आएंगे, ये हमारे 1.25 निशाने हैं, और इसको हम इससे मिला देंगे। अब इस जगह से हमें 2 इंच ऊपर जाना है ऐसे, और इस पॉइंट से हमें इसको ऐसे मिला देना है। ये हमारी चारों डॉट लग गई। इस तरह हम सर्कल लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी डॉट सही लगी हैं या नहीं लगी। सर्कल जब हमारा गोल बन जाता है तो समझिए हमारे डॉट बिल्कुल सही जगह लगी हैं। अब हम इसकी बार बार से यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पोर्शन तैयार हो गया। ये दोनों पार्ट हमारे आगे के निकल है। जो हमारे डॉट के निशान हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कट के निशान लगाएंगे।
अब हम इस जगह से हम देखिए ये प्लेट्स है ना, यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे ऐसे करके और पीछे ऐसे हम इसमें निशान लेंगे, हम चारों तरफ ऐसे निशान ले लेंगे, ऐसे रखते जाएंगे और हम निशान लेते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये चारों निशान आ गए, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह हम इसको, ये बहुत आसान तरीका है प्लेट को लेने का। इस तरह हमारी दोनों तरफ प्लेट्स आ गई। अब ये आगे का पोर्शन हमारा तैयार हो गया, अब पीछे का पोर्शन निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इधर से हमने आगे का पोर्शन निकाला था, अब इसको ऐसे इस वाले पोर्शन को हम काट देंगे। ये हमारी इससे हमारी हुक पट्टी लग जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने फ्रंट निकाला था, अब हम इसको थोड़ा आगे करके इसको ऐसे बिछाएंगे। अब हम यहाँ से बैक निकालेंगे और देखिए बैक कैसे निकालना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी कन्नी साइड है ना, ये हमने निशान लगाया था ये वाला, इसको हमने बाहर की तरफ ऐसे रख देना है और इसको यहाँ हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और जहाँ हमारा ये मार्जिन थोड़ा रहेगा वहाँ पे हमने इसको सेट कर देना है। बैक पीस निकालने के लिए हमें बस दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हमारा आर्मल हमारा बढ़ के आएगा और हमारा जो नीचे का पोर्शन होगा वो आधा इंच हमारा कम होगा। तो इसको देखिए हम ऐसे करके पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। अब जो ये आर्मोल है यहाँ से हमने आधा इंच और लेना है आगे, ये बैक साइड के लिए हमारा आर्मोल बढ़कर आता है तो इसको हमने ऐसे गोलाई दे देनी है। बैक साइड में हमने जो लेंथ लेनी है हमने आधा इंच कम लेनी है। वो क्यों कम लेनी है कि जब हमारी फ्रंट साइड में जो हमारी साइड की डॉट होती है ये जब हम डॉट लगाते हैं तो आधा इंच हमारा ये जो फ्रंट साइड कम हो जाता है, तो बैक साइड से इसको मिलाने के लिए हमें आधा इंच बैक साइड कम लेना होता है और हमारा ये जो आर्मोल होता है पीछे का आर्मोल हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। बस दो चीज़ का हम ध्यान रखना होता है और जो हुक पट्टी का जो निशान है ये वाला इसको हमें भागी तरफ निकालना होता है। अब जो हमारे डॉट का निशान है कैसे लेना है, यहीं पर हमने डॉट का निशान डाल देना और इस जगह हमने ऐसे रख के यहाँ पर हमने इससे निशान ले लेना और अब इसको फ्रंट को हम हटा देंगे और यहीं से हम इस पर डॉट का निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारा डॉट का निशान भी आ गया इसमें, ये बहुत ही आसान तरीका है डॉट निकालने का। ये हमारी डॉट आ गई, अब जो हमारी जो लेंथ है इसको हमने आधा इंच कम कर देना है यहीं से। अब आधा इंच कम के ये कटिंग हमारी इस पर होगी और इसे बार बार से हम इसे कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। अब हम बाजू निकालेंगे तो इसको साइड कर देंगे पहले। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ये हमारा फोल्ड साइड है और ये हमारा ओपन है। अब इसको ऐसे करके ऐसे डबल करेंगे ऐसे। अब जो बाजू की लंबाई है हमारी 5 इंच, तो 1.5 इंच हमारा नीचे बॉटम मुड़ जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हम 7 इंच पर इस पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगा कर इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे और सीधा कर देंगे इसको। ये हमने सीधा निशान लगा दिया। अब बॉटम निशान लगाएंगे, बॉटम हमारी 10.5 तो उसका हाफ हो गया 5.25। तो इस जगह से हमने 5.25 पे निशान लगा देना है। ये देखिए ऐसे, और जो ये निशान है यहाँ से हमें 3 इंच नीचे हमने निशान लगाना है आर्मोल की गोलाई के लिए और इसको हमने ऐसे करके देखिए सीधा कर लेना है। अब हमने आर्मोल की शेप लेनी है, तो आर्मोल है हमारा 8 इंच, तो यहाँ से 7.5 पे हमारी बाजू लगेगी। आधा इंच हमारे बाजू का ये आर्मोल हमारा कम होता है, 8 हमारा ब्लाउज का है तो 7.5 हमारा बाजू का होगा। तो यहाँ से हमने 7.5 पे ऐसे करके निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह, और इसको हमने पहले इस पर मिला देना है बॉटम से और मार्जिन लेना है 1.5 इंच का, हमने अंदर मार्जिन ले रखना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके निशान लगा देना। अब हम आर्मल की शेप लेंगे, तो देखिए शेप कैसे लेनी है हमने, देखिए यहाँ से ऐसे लेते हुए और इसको हमने इधर नहीं मिलाना, हमें 2 इंच आगे मिला देना है। इस जगह यहाँ से शेप ली हमने, इस जगह से यहाँ से इस जगह से शेप लेनी है। ये देखिए ऐसे करके मिला देनी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और अब इसकी बार बार से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बाजू कट गई, ये 2 पोर्शन है। अब इसको बीच में से हम इसको अलग करेंगे। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, इसको देखिए ऐसे और इसको ऊपर रखेंगे ऐसे दूसरा। अब यहाँ से आर्मोल की हम 1/2 इंच की गहराई की शेप लेंगे। ये हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया और ये हमारी बाजू। अब हम इस पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको उस पर रखकर हम कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी हमने ऐसे ही जैसे हमने लाइनिंग को बिछाया था वैसे ही हमने इसको डबल बिछाना है। जहाँ हमारा फोल्ड साइड है वहाँ से हमारा बैक निकलेगा और जहाँ हमारा ओपन साइड है वहाँ से हमारा फ्रंट निकलेगा। अब ये जो हमारा फोल्ड साइड है यहाँ पर हमने इसको बैक को ऐसे रखना है। ये देखिए इस तरह हमने इस पर रखना है। अब जो फ्रंट है फ्रंट को हमने इसके साथ जहाँ हमारा ये गहराई है इस जगह देखिए, जहाँ आर्मोल की गहराई है यहाँ हमने इसकी फ्रंट को रखना है। इस जगह देखिए ऐसे रखेंगे हम,
देखिए बैक हमारा यहाँ से निकलेगा फोल्ड साइड से, फ्रंट हमारा ओपन साइड से निकलेगा, और जो कपड़ा बचेगा उससे हम बाजू बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें निशान लगा लेंगे ऐसे करके, देखिए ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी बार बार से कटिंग करेंगे, एक पैर छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। अब जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। तो देखिए बाजू के लिए हमें जो बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ पर देखिए हमारा सीक्वेंस का काम है। तो इसी से हमने इसको यहाँ पे ऐसा करके डबल कर देना है ऐसे, जिससे हमारा एक जैसे हमारे सारा ही बॉर्डर आए। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो पोर्शन हमारे यहाँ पर कम पड़ेगा उसको हम इस पर यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे रखना है, जो यहाँ हमारा यहाँ कपड़ा कम पड़ेगा जो साइड से निकलेगा ना उसे हम यहाँ पर इसको लगा देंगे और जो हम पूरा कर देंगे और इसकी यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो ये हमारा देखिए ये कपड़ा बचा है ना, इसी को हमने ऐसे ऐसे निकाल लेना है। अब इसको ही हमने ऐसे ऐसे यहाँ पे, ये देखिए जो हमारे साइड से कपड़ा बचा है इसी को हमने इसके नीचे ऐसे रखना है ऐसे, और इसको ऐसे हमने जोड़ देना है। और बाद में इसको हमने ऐसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बाजू की ये कटिंग हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट कट गया, ये हमारा बैक लाइनिंग के सब कट गया, और ये हमारी बाजू। इस तरह हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।